सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हमारा कॉलम चैप्टर चालू था, है ना। तो कॉलम के कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, यूलर्स फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल लिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं रैंकेन फॉर्मूला, है ना। तो रैंकेन फॉर्मूले के प्रॉब्लम्स लेने वाले हम लोग, है ना। तो आज जो बेसिकली प्रॉब्लम हम लोग लेने वाले हैं वो हॉलो सर्कुलर सेक्शन का प्रॉब्लम रहेगा, जो रैंकेन फॉर्मूला पे बेस्ड रहेगा। ओके, तो ज्यादा देरी ना करते हम लोग प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, ए हॉलो कास्ट आयरन कॉलम ऑफ 200 mm एक्सटर्नल डायमीटर, है ना। तो उसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो कितना है, 200 mm है। तो एक्सटर्नल डायमीटर इज 200 mm, है ना। तो कैपिटल डी जो हम लोग को दिया हुआ है वो है 200 mm। यहाँ पे गिवन डाटा में भी लिख देते हैं हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी, दैट इज 200 mm, है ना। और क्या दिया है हम लोग को, आगे पढ़ते हैं, एंड 150 mm इंटरनल डायमीटर। तो इंटरनल डायमीटर कितना है, 150 mm है। तो इंटरनल डायमीटर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 150 mm, इंटरनल डायमीटर इज 150 mm। इंटरनल डायमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से 150 mm, बोथ द डायमेंशंस आर इन mm। देखते हैं उसके बाद आगे क्या दिया है हम लोग को, देखो, एंड 8 मीटर लॉन्ग, है ना। और कैसा है, 8 मीटर लॉन्ग है, मतलब लेंथ कितना है, एल दिया है हम लोग को 8 मीटर। तो इसको mm में कन्वर्ट कर दीजिए तो 8 × 10⁻³ mm हो जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है हम लोग को, देखो, हैज बोथ द एंड हिंज, है ना। बोथ द एंड हिंज रहेगा तो क्या रहता है हमारा, देखो, इफेक्टिव लेंथ LE इज इक्वल टू L होता है। LE इज इक्वल टू, L इज इक्वल टू कितना है, 8 × 10⁻³ mm, है ना। तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, इफेक्टिव लेंथ दिया हम लोग को। और देखो और पढ़ लेते आगे क्या बोल रहा है ना, टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज ए 6, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब FOS का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है, 6 दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया। और क्या बोल रहा है, सिग्मा सी, सिग्मा सी मतलब क्या रहता है, क्रशिंग स्ट्रेस। सिग्मा सी हम लोग कितना दिया है, 560 newton per mm square। तो देखो सिग्मा सी की वैल्यू दिया है हम लोग को 560 newton per mm square। और देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 1/1600, 1/1600, ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है, है ना। तो अल्फा दिया है हम लोग को रैंकेन कॉन्स्टेंट, जिसको बोलते हैं अल्फा मतलब क्या होता है, रैंकेन कॉन्स्टेंट, जो हम लोग को दिया है कितना दिया, 1/1600, है ना। ये इसका क्या है, ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, अब देखो, अब आगे देखते हैं, डिटरमाइन द सेफ रैंकेन लोड, है ना। हम लोग को क्या निकालना है, सेफ रैंकेन लोड मतलब PS निकालना है, सेफ रैंकेन लोड निकालना है। ओके, टेक कैपिटल E इज इक्वल टू 2 × 10⁵ newton per mm square, और कैपिटल E का वैल्यू दिया है हम लोग को 2 × 10⁵ newton per mm square। ओके, तो देखो इतना सारा गिवन डाटा हम लोग को प्रॉब्लम में दे दिया है, हम लोग को सेफ लोड निकालना है ना। हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना। तो अब अपने को सिंपल सी चीज है, सेफ लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले में आता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या है, क्रिपलिंग लोड डिवाइडेड बाय सेफ लोड, है ना। अब देखो, अब हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, अगर हमको क्रिपलिंग लोड मिल गया, ये पीसी क्रिपलिंग लोड की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग पीएस यानी कि सेफ लोड निकाल सकते हैं, है ना। तो इसलिए सब में पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, क्रिपलिंग लोड निकालना पड़ेगा, है ना। अब क्रिपलिंग लोड का क्या फॉर्मूला है, दैट इज रैंकेन फॉर्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड है, पीसी इज इक्वल टू सिग्मा सी ए डिवाइडेड बाय 1 + α अंडर ब्रैकेट एलई बाय के होल स्क्वायर, है ना। ये है हमारा रैंकेन फॉर्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड बाय रैंकेन फॉर्मूला। पीसी यहाँ पे क्या रहेगा, क्रिपलिंग लोड रहेगा, सिग्मा सी क्या रहता है, सिग्मा सी इज क्रशिंग स्ट्रेस जो हम लोग को, सॉरी, क्रिपलिंग स्ट्रेस जो हम लोग को दिया है, क्रशिंग स्ट्रेस भी हो सकते हैं, क्रिपलिंग स्ट्रेस भी हो सकते हैं जो हम लोग को दिया है। अल्फा की वैल्यू भी हम लोग को दिया है, एल ई दैट इज इफेक्टिव लेंथ जो हम लोग को मिल गया है, इफेक्टिव लेंथ और ओरिजिनल दोनों सेम है, 8 × 10³। ओके, उसके बाद के, के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो हम लोग को निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे वैल्यू और एरिया, एरिया भी हम लोग को निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमारा हरो सर्कुलर सेक्शन है ना, 150 इंटरनल डायमीटर है और एक्सटर्नल डायमीटर 200 है, दोनों दिया है। तो एरिया और के, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, हम लोग इजिली निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले एरिया और के की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे सेपरेटली, फिर इस फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे। ओके, फर्स्ट एरिया निकालते हैं हम लोग, एरिया, एरिया ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन क्या है फॉर्मूला, पाई बाय 4 एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर, दैट इज कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ओके, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया है,
कैपिटल डी है हमारा 200 mm और स्मॉल डी है हमारा 150 mm, है ना। तो इसको कैल्सी में हम लोग पुट कर देंगे प्रॉपरली, तो हम लोग को यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। एरिया का वैल्यू मिल गया 137.4 mm², है ना, ये मिल गया हम लोग को एरिया। ओके, अब निकालना है हम लोग को के की वैल्यू, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। के दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है अंडर रूट आई बाय ए, है ना। आई मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया तो हम लोग को मिल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला हमारा, पाई बाय 64 डी रेस्ट टू 4 माइनस डी रेस्ट टू 4, कैपिटल डी रेस्ट टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस्ट टू 4। ओके, तो चलो इसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं अंडर रूट। देखो आई, आई की जगह पे क्या पुट करेंगे इसका फॉर्मूला, पाई बाय 64 कैपिटल डी रेस्ट टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस्ट टू 4, है ना, डिवाइडेड बाय ए। ए मतलब क्या आएगा, एरिया, एरिया की वैल्यू तो डायरेक्ट हम लोगों ने निकाली, यही वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ओके, चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हम लोग को यहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे। देखो पाई बाय 64 कैपिटल डी इज 200 रेस्ट टू 4 माइनस 150 रेस्ट टू 4। ओके, और सेम रूट में ही हम लोग को यहाँ पे एरिया भी लेना, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना है हमारा 137.4 mm। ओके, अब ये सारे वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और इसका क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे। तो यहां से हम लोग को k का वैल्यू मिल गया हम लोग को 62.5 mm, है ना। ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब रेडियस है, इसके लिए इसका यूनिट क्या रहता है mm, है ना। तो ये k का वैल्यू मिल गया। अब देखो k मिल गया, a मिल गया, सिग्मा c दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो pc हम लोग को यहां से मिल सकता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू सारे के सारे पुट कर दो। देखो तो क्रिपलिंग लोड pc इज इक्वल टू सिग्मा c, सिग्मा c का वैल्यू कितना है 560 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं, इनटू एरिया, एरिया हम लोगों ने निकाला हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 1/1600, ओके, इनटू ब्रैकेट में LE, LE मतलब इफेक्टिव लेंथ, है ना, इफेक्टिव लेंथ और दोनों लेंथ सेम है क्योंकि बोथ द एंड हिंज है, 8 × 10⁻³ mm में रखेंगे वैल्यू, 8 × 10⁻³ डिवाइड बाय K, K का वैल्यू कितना है 62.5, ओके, इसका होल स्क्वायर। अब ये सारा कैलकुलेशन प्रॉपरली हम लोग कर लेंगे। कैल्सियम में किस तरह से कैलकुलेट करना है, सबसे पहले ये वैल्यू निकाल लो, 18 × 10⁻³ 62.5, इसका स्क्वायर कर लो, इनटू 1/1600 कर लो, उसको 1 से ऐड कर लेना, है ना। ये वाला कैलकुलेशन अलग है, ओके, इसको अलग करके फिर ये जो भी आंसर आएगा उसको 1 से प्लस करना है, ओके, उसके बाद फिर इससे इसको डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे आपको क्रिपलिंग लोड का वैल्यू मिल जाएगा। वैल्यू आ गया 684.78 × 10³ न्यूटन, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को न्यूटन में, क्रिपलिंग लोड हम लोग को यहाँ पे मिल गया, है ना। अब क्रिपलिंग लोड मिल गया, आपने को निकालने के लिए क्या बोला था, हम लोग को बोला था कि सेफ लोड निकालो, है ना। तो सेफ लोड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में मैंने बताया एकदम, है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है हम लोग को, है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम लोग को क्या मिल जाएगा, सेफ लोड मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग को पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, क्रिपलिंग लोड डिवाइडेड बाय सेफ लोड, ओके। तो देखो यहां पे सेफ लोड निकालना है, तो सेफ लोड को इधर लेके आ जाओ, तो सेफ लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रिपलिंग लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओके। क्रिपलिंग लोड कितना आ गया हमारा, क्रिपलिंग लोड है 684.78 × 10³, ओके, डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है, 6 दिया है, तो डिवाइडेड बाय 6, तो सेफ लोड का वैल्यू मिल गया हम लोग को 114.13 × 10³ न्यूटन, ओके। तो ये मिल गया हम लोग को सेफ लोड फॉर दिस होलो सर्कुलर कॉलम सेक्शन, ओके। तो देखो प्रॉब्लम समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।